टेलीविजन के फेमस कपल किशोर मर्चेंट और सुयश राय हाल ही में पेरेंट्स बने हैं। किशोर ने 27 अगस्त को एक बेबी बॉय को जन्म दिया था, जिसकी छोटी छोटी झलक किशोर अक्सर फैंस के साथ शेयर करती रहती है। वहीं आज किशोर और सुयश ने अपने बेटे के नाम का टैटू अपनी गर्दन पर बनवा लिया है। इसका एक वीडियो भी कपल ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में किशोर कहती है, निर्वेर सो रहा है और इसका फायदा उठाकर हम कुछ एक्साइटिंग करने जा रहे हैं। वहीं बाद में दोनों ने अपने गर्दन पर बनवाए टैटू को फ्लॉन्ट करते हुए नजर आए। So guys, Nirvel sleeping and while he's sleeping, I'm going to be doing something very, very exciting. Can't wait to show you guys. के नाम का टैटू गुदवाकर कपल के चेहरे की खुशी और एक्साइटमेंट देखते ही बनती है। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने बेटे की झलक फैंस को नहीं दिखाई है। तो दोस्तों आपको बता दें, किशोर मर्चेंट और सुयश राय शादी के करीब 6 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। किशोर और सुयश ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपने बेटे के नाम का खुलासा किया था और उन्होंने बताया था कि उनके बेटे निर्वेर के नाम का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। वह इस कपल ने 40 दिनों तक अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखने का फैसला किया है। सुयश ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, जो लोग सोशल मीडिया पर अपने बच्चों का चेहरा दिखा रहे हैं यह उनका फैसला है, पेरेंट्स को फैसला करने का पूरा अधिकार है। मुझे लगता है कि किशोर एक ऐसे शख्स है जिन्हें सोशल मीडिया पर रहना पसंद है, उनकी अपनी दुनिया है। अगर वे एक माँ होने के नाते अपने बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर डालना चाहती है तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। लेकिन हमने फैसला किया है कि हम पुरानी परंपरा के अनुसार 40 और 50 दिन तक अपने बच्चे की फोटो नहीं दिखाएंगे। 40 दिनों के बाद अगर मन करेगा तो हम ऐसा करेंगे, यह पूरी तरीके से हम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपको किशोर और सुयश का यह टैटू कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।